Assalamualaikum everyone. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि आपने प्रोफ के लिए प्रैक्टिकल्स कैसे तैयार करने है। so specifically जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर एम बी बी एस वालों के लिए है और उनमें उनका कम्प्लीट पैटर्न आपने तैयारी कहाँ से करनी है कैसे करनी है प्रैक्टिकल किस तरह के होंगे वहां पे कैसे होगा ओसपी कैसी होगी ये सारी चीजें इसके अंदर जो है मैंने बताई सो so, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपने प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है प्रैक्टिकल को किस तरह से तैयार करना और खासतौर पर कब तैयार करना शुरू करना so है सो ये आपकी वीडियो बहुत हेल्प करेगी इस चीज को समझने में सो so, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले फिजियोलॉजी अगर हम देखें तो ऑस्पी में देखें इसके स्टेशन होते हैं नॉन ऑब्जर्व स्टेशन उब्जर्व स्टेशन क्या होते हैं आप जाएंगे तीन टीचर्स बैठे होंगे तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट जो है चेयर्स पे हमारे पास वो जगह बनी होंगी तीन डिफरेंट टेबल्स बने होंगे आप वहां पे जाओगे आपको कहेंगे कि कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाओ ऑब्जर्व स्टेशन हो फाइव मार्क्स का हर एक होता है और पंद्रह नंबर के तीन स्टेशन है.

जो है वो बताएं सो so, जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल है ना खास तौर पे वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे और आपने जस्ट क्या है कि उनकी बेसिक बतानी है और अगर उनकी कैलकुलेशन है तो वो आपको कहेंगे लिख के दिखा उसके बाद आपके पास होंगे नॉन ऑब्जर्व स्टेशन समटाइम ऐसे होता है कि पहले नॉन ऑब्जर्व स्टेशन हो जाते फिर ऑब्जर्व होते समटाइम ऐसे होता है कि ऑब्जर्व पहले हो जाते फिर नॉन ऑब्जर्व होते फिर आपको एक लाइन बना के आप जितने भी दस बारह पंद्रह बीस बच्चे होंगे आपको जो है नॉन ऑब्जर्व स्टेशन की तरफ लेके जाया जाएगा वो उसी तरह होंगे जिस तरह आपने आप प्रैक्टिस में भी किया है कि आप किस तरह एक लाइन में दस स्टेशन लगे होंगे ठीक है लाइन में मतलब आगे पीछे जो हमारे पास होता है तो हर बंदा एक एक स्टेशन पे जाके खड़ा होगा वहां पे आपके पास ऑलमोस्ट वन से वन पॉइंट फाइव मिनट होगा हर स्टेशन पे तो यहाँ पे जो नॉन ऑब्जर्व स्टेशन है यहाँ पे आपके डिफरेंट क्वेश्चन होंगे जो आपने लिखने होंगे परफॉर्म नहीं यहाँ पे कुछ भी करना होगा ठीक है सब so, सोर्स um, जो ओसपी के नोटबुक पे एंड पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं ये जितने भी एंड पे क्वेश्चन लिखे होते हैं ये वहां पे आते हैं जितने आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े, लाइक like, न्यू बार चैम्बर पड़ा हो सकता है आपका कोई किट पड़ी हो सकती है आपके पास माइक्रोस्कोप पड़ी हो सकती है आपके पास इसी तरह आपके पास ब्यूरोड पड़ी हो सकती है ठीक है सो so, इसी तरह आपके पास जो है ब्लड प्रेशर का ऑपरेटिस्त उसको पड़ी हो सकती है स्विग्नोमेनोविटर पड़ा हो सकता है ठीक है so, सो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो पड़ी हो सकती है लेट लीड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी है कहाँ पे कौन काउंसिलिंग ये वाली इसके अलावा बुक से क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक like आपसे कोई कंडीशन पूछ ली जाती है डेफिनेशन पूछ ली जाती है ये बिल्कुल सिंपल सिंपल इस तरह क्वेश्चन और कुछ जो है वो वैल्यूज आती हैं आपसे लाइक ब्लड प्रेशर की वैल्यू और वो कहेंगे कि ब्लड प्रेशर को आप जो है वो आपने मैर किया तो उसको जो है वो डिफाइन करें ठीक है

ट्वेंटी फाइव मार्क्स का कैसे होता है आप इसके बाद नॉन जो ऑब्जर्व स्टेशन है ये इसके बाद नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है फिर आपको एक, -एक प्रैक्टिकल लोट कर दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकल शुरू करें आपको जो प्रैक्टिकल मिलता है आपने वहीं पर परफॉर्म करना आपको पहले टाइम दिया जाता है पंद्रह मिनट आपने उसके अंदर सिर्फ प्रोसीजर राइटिंग लिखनी कुछ परफॉर्म नहीं करना होता कुछ उस टाइम नहीं करना होता टीचर आपके पास होते आपने पर, जो है पंद्रह मिनट के अंदर वो लिखना होता है प्रैक्टिकल जस्ट आपको जो ब्लड प्रेशर आया तो आप उसका प्रेटिस लिखोगे उसके प्रिंसिपल लिखोगे उसका प्रोसीजर लिखोगे और कैलकुलेशन लिखोगे चार चीजें आपने लिख के दे देना है आपसे आप, आप पेपर दे दिए जाएंगे फिर आपके पास तकरीबन एक घंटा होगा जिसमें आपने परफॉर्म करना है उसके दौरान आप मतलब एक दूसरे से थोड़ा हेल्प भी ले सकते हैं टीचर भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं वैसे बच्चे भी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं अगर कोई इश्यू हो क्योंकि उसके बाद आपका होना सो तो आपने देखना उसमें कोई भी कंडीशन जो भी आपकी वो आपने प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म करना आपको परफॉर्म भी करना आना चाहिए और उसके रिलेटेड सारी कंडीशन भी पता होनी चाहिए समटाइम जो कुछ कॉलेजेस हैं उसमें वहां पे आपको जो है नोटबुक वगैरह भी एक दफा दे देते हैं बट स्टिल आपने देखना है कि उसमें क्या क्या हो सकता है आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं खुद डिस्कस कर सकते हैं उसके बाद आपके पास वाइवा होता है आ, दस नंबर का इंटरनल और दस नंबर का एक्सटर्नल लेता है इंटरनल जो होता है उसने क्वेश्चन पूछने होते मोस्टली और एक्सटर्नल जो है उसने सिर्फ प्रोसीजर से रिलेटेड चीजें पूछनी होती है ये स्ट्रक्चर है बट इससे डिफरेंट भी थोड़ा सा हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इंटरनल या सिर्फ एक्सटर्नल वाइवा ले लें ठीक है सो आपका बीस नंबर का ये जो वाइवा और पाँच नंबर की प्रोसीजर राइटिंग हो जो आपने शुरू में ही लिख के दे सो so, ये बीस नंबर में दस नंबर परफॉर्मेंस के और दस वाइवा के बट आपको समटाइम सिर्फ वाइवा ले जाता तो है परफॉर्मेंस चेक ही नहीं की जाती सो so, इस तरह से आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल होगा कंप्लीट सो so, ये आपका आ गया कंप्लीट ये अब हमने ये देखना है कब पढ़ना शुरू करना है मैं आपको बताता हूँ तो कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट आपके जो फर्स्ट ईयर में न्यू बार चैम्बर से रिलेटेड आरबीसी ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है इसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह आपके पास थर्मल वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा आपके पास रेस्पिरेटरी रेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आपका प्री कोडिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सो ये मोटे मोटे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल्स बनते हैं इसके बाद बायोकेम बायोकेम में अगेन आपके पास दो ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं जो कि छः नंबर के होते हैं जबकि आठ नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते जो कि सोलह नंबर के इसमें भी वही है आपके पास जो ऑब्जर्व स्टेशन होंगे वो गिनती के तीन चार हैं वो वही आपसे पूछे जाते हैं ठीक है ऑब्जर्व स्टेशन जबकि जो नॉन ऑब्जर्व है वो आपसे अगेन वहां पे क्वेश्चन हो सकता है कोई वैल्यू हो सकती है कोई स्पेसिफिक कंडीशन खासतौर पर बायोकेमिस्ट्री में कंडीशन पूछी जाती है हाइपर और हाइपो के लिहाज से ठीक है थीके? सो वो आपसे कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बाद आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल होगा फर्स्ट ईयर में बिल्कुल प्रैक्टिकल का काम आसान है कि आपके पास में चार स्कीम्स हैं। की स्कीम है सो तो यूरन, so, यूरन के आपने स्पेसिफिक जो है वो टेस्ट करने यूरन में समटाइम ऐसा होता है कि आपने जो है जनरल जो टेस्ट है बस वही करने तो बच्चों से ना वो पूछा जाता है कि यूरन के एनालिसिस में आपने क्या देखे तो कुछ बच्चे जो है वो बता रहे होते थे कि क्वालिटी देखनी है कलर देखना है और एक आधा बच्चे ने बोल दिया जी चेंज दे, टेस्ट देखना उसका मतलब यूरिन को टेस्ट करके देखना है सो आपने इस तरह की कोई ब्लेंडर नहीं मारना आपने सोच के हर चीज का जवाब देना ठीक है थीके? सो इस तरह आपने यूरिन का एनालिसिस के जो टेस्ट है वो याद करना अच्छा उसके बाद आपने जो कार्ब की है और आपने सबसे पहले स्कीम बनानी है आपको उसी तरह अगेन टाइम दिया जाएगा राइटिंग के लिए उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट की स्कीम बनाएं। उसके बाद आपने जो है अभी आपको पता नहीं आपके पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जस्ट आपने स्कीम बनानी है और अगर कोई इन एनी एन, कैलकुलेशन अगर स्पेसिफिक है लाइक यूरन वगैरह तो वो आपने लिखनी है ओके इसके बाद आपका परफॉर्मेंस का टाइम दिया जाएगा परफॉर्मेंस के टाइम में आपको तकरीबन अगेन घंटा दिया जाएगा आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट ढूंढना के अकॉर्डिंग स्कीम आपकी है कि आपने पहले टेस्ट कौन सा करके देखा आपने जो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अलग किया फिर उसमें रिड्यूसिंग में आपने देखे सो इस तरह से आपने देखना पोलिसक्राइड को अलग किया मोनोसेक्राइड को तो एंड पे आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट बचेगा इसी तरह लिक्विड को इसी तरह प्रोटीन को सो परफॉर्मेंस के लिए टाइम होगा आपने सारे टेस्ट वन बाय परफॉर्म करते जाने सो एंड पे आपके पास जो है अननाउंड कार्बोहाइड्रेट नाउन लिक्विड या अननाउन प्रोटीन आपको मिल जाएगी फिर आपका वाइवा होगा उसमें उसी से रिलेटेड जो आपको भी तभी लगेंगे आपसे आगे पूछा जाएगा कि आपने परफॉर्म किया किस तरह किया फिर आपसे जनरल दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें खासतौर पर जो कंडीशन होती है वो आपने याद रखनी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड लाइक आपसे ब्लड ग्लूकोज लेवल पूछा जा सकता है इसमें फास्टिंग लेवल क्या होता है रैंडम लेवल क्या होता है प्री डायबेटिक क्या होता है पोस्ट डायबेटिक क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे, छोटे आपसे पूछे जा सकते हैं so, इस तरह से आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल होगा लास्ट नंबर पे आ गई हिस्टोलॉजी जिसके अगेन स्टेशन दस होंगे जो ऑस्पी के लिए नॉन ऑब्जर्व स्टेशन और अगेन इसी तरह आपके पास एक एक मिनट होगा हर स्टेशन पे जस्ट आपने क्या करना है जी आ, वो देखना क्या चीज है उसके अंदर माइक्रोस्कोप की उसको आइडेंटिफाई करना है पॉइंट फाइव नंबर आइडेंटिफिकेशन के और पॉइंट फाइव उसके दो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने के पॉइंट टू फाइव पॉइंट इस तरह आपको एक नंबर पूरे स्टेशन का मिलेगा फिर आपके पास लॉन्ग स्लाइड होती है अगेन आपने स्लाइड में माइक्रोस्कोप में देखना है कि क्या चीज है जो चीज आप होगी उसको आइडेंटिफाई करना है उसको ड्रा करना है हिस्टोलॉजिकली करना है फिर ड्रा करके आपने फिर आपका वो टीचर चेक करने आएगा डायग्राम की चेकिंग के और एक दो मतलब क्वेश्चन पूछेगा और उसके आपके दस नंबर होंगे इसके बाद आ गया जी टाइम इस तरह आपने आ, मतलब सारा आपको प्र... समझ आ गया कैसे करना है क्या चीज होगी लास्ट नंबर पे आ गया टाइम क्या होगा अब टाइम के लिए ना बिल्कुल सिंपल सी चीज है आपने जो है अभी जब प्रोफ की प्रेप कर रहे हैं जो 40 डेज हैं अभी आपने इसके अंदर प्रोफ की प्रेप या ड्यूरिंग हॉल ईयर मतलब जब आपका शुरू में होता है आपने जस्ट क्या करना है आपने नजर मारते जाना है लाइक अब देखिए ओएसपी मटेरियल आपको समझ आ गया प्रैक्टिकल तो आप एक रिव्यू लेते जाए प्रिंसिपल पढ़ते जाए प्रोसीजर uh, पढ़ते हैं। जब आपके पास टाइम तो एक नॉवल नहीं जिस तरह रीड करते इस तरह आप इनको रीड करते जाए जब आपके पास टाइम ऑफ तो स्लाइड देख लिया करें सो so, बिफोर प्रोफ आपके यही काम है आपको कोई प्रॉपर टाइम देने की इतनी जरूरत नहीं है बट यू यू हैव टू नो कि आपने क्या पढ़ना है

होप्स हो ये वीडियो में आपको काफी हेल्प मिले होगी और इन हम और मजीद वीडियोस के साथ आएंगे और ये अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अल्लाह गुड लक एवरीवन